वेलकम बैक फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओ भाई, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:30 और आज हम जाने वाले हैं नंदी हिल। यह चलो रेडी होते हैं, उसके बाद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भोलेनाथ, जय महाकाल, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है, आज ये देखिए, आज हमने अपना फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे आज हम इसे, और देखते हैं कैसा रहता है। वैसे इसको माउंट करने में ये बहुत ज़्यादा ढीला हो रखा है। इसको मैं अगर इसको हटा के माउंट ये टाइट करता हूँ तो ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाता है, बट अभी ये टाइट नहीं है, बहुत ढीला है। तो मेरे को डर भी लग रहा है कहीं मेरा फ़ोन गिर ना जाए, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके चलो चलते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा गंदा वाला आ रहा है सीन इसका, और आई थिंक कुछ नहीं दिख रहा है, ये टेढ़ा पिन हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये चल भी पाएगा, क्योंकि ये अभी से देखो झुक रहा है। देखते हैं, तो हम अपनी पुष्पा के साथ निकल चुके हैं। रोड देख रहे हो भाई साहब, ठंड बहुत है, अच्छी वाली ठंड हो रही है। जैकेट पहन रखी है, फिर भी लग रही है मेरे को हल्की हल्की। और अपनी पुष्पा तैयार है, देख रहे हो भाई साहब, रात हो रही है और हमें घूमना है। यही होता है जुनून घूमने का। अपन है सख्त लौंडा, अपन को घूमने से मतलब है, अच्छी अच्छी जगह वो भी। अब पता नहीं मेरी रिकॉर्डिंग आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है, बट देखते हैं कैसी होती है। हेलमेट भी बहुत गंदा है, मेरे को हेलमेट मंगाना ही पड़ेगा। और ये जो हेलमेट का माउंट है, ये भी सक्सेस नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इससे क्या होता है, मेरा फ़ोन नीचे लटक रखा है तो मैंने फ़ोन को उल्टा लगाया है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, कभी भी मेरा फ़ोन गिर सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, 56 मिनट की हो चुकी है, बाकी की बात नहीं। बस दुआ कर रहा हूँ क्रॉसिंग बंद ना मिले, अगर क्रॉसिंग बंद मिल गई ना तो मेरी फटती है। अबे बहुत टाइम खड़ा होना था भाई, बस क्रॉसिंग बंद ना मिले। अपनी पुष्पा ऐसी चलती रहे, सर्राटे काटते हुए, धर्राटे काटते हुए, फिर मज़ा आने वाला है आज मॉर्निंग राइड पर। अगर हमारी धन्नो होती तो बात ही अलग होती। वाला मैं जैसे ही पहुँचूंगा ना दिल्ली, सबसे पहले धन्नो पे टूर मारना है मेरे को, क्योंकि मेरी धन्नो ना खड़ी खड़ी बहुत रो रही है, कह रही है मालिक आ जाओ, आई मिस यू। वो मुझे बहुत मिस कर रही है और मैं तो उसे मिस कर ही रहा हूँ। वैसे मैं बताने वाला था, ये 70-80 किलोमीटर पड़ जाता है बेंगलोर से, तो आज हमारी राइड होने वाली है 80 किलोमीटर की। और ध्यान रहे बस क्रॉसिंग बंद ना मिले बाबा भोलेनाथ, फिर आने वाला है मज़ा। यहाँ की रोड बड़ी खतरनाक है, देख रहे हो भाई साहब, जंगल है जंगल, उठा लिए जाओगे। वैसे अभी हम जा रहे हैं अभय भैया के पास, हमारी बुलेट खड़ी है जो हमने चंडीगढ़ से मंगाई थी, तो फिर वहाँ से भैया और भाभी भी चलेंगे। टाइम बच चुका है, समझ रही हैं आप लोग, ऐसे ही टाइम बचता रहा बस, अपन पहुंच जाएंगे। अगर धन्नो होती ना, क्या ही बात थी। यहाँ के लोग बहुत ही महान होते हैं, डाउन लाइट करते ही नहीं है। अभी हम पहुंच रहे हैं अभय भैया के पास। हमारे आगे वाले पहिए में नहीं है हवा और भैया की मशीन है बंद। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कैसे बंद हो, हमको दिक्कत हो जाएगी। कुत्ते देख रहे हो कितने हैं। आ चुके हैं हम अभय भैया के पास,
देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, तैयार भी हुए या नहीं हुए हैं। या हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, वैसे यहाँ पे हमको कुछ खाने के लिए मांगना पड़ेगा कि हमको ना भूख लग रही है, भूख समझ रहे हो, कुछ तो खाना होगा यार, बहुत दूर जाना है। तो हनी है हमारे साथ और हनी कह रहा है कि बुलेट आगे निकल गई। अब इनको क्या बताया जाए, हमारी गाड़ी में हवा कम है, वैसे भी हम बुलेट को तो टक्कर नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे भैया जी है ना, वो चलाते हैं बहुत स्लो, तो हम बुलेट को टक्कर दे सकते हैं। क्या कह रहे हो, ठंड लगेगी बेटा, अच्छा किया तुमने स्वेटर पहन के, जैकेट पहनना था तुमको, गुड। ये देखो हमारी बुलेट चल रही है पीवी पंजाब। हवा फुल रहता तो गाड़ी तेज भागता, बात तो सही कह रहे हो। ये देख रहे हो भाई साहब, कैमरा चल रहा हमारे वॉच में, इसी से हम देख रहे हैं कि कैसा आ रहा है व्यू हमारा। तो अब अपनी धन्नो ज्यादा तेज नहीं चला सकते हैं। देखते हैं कोई पेट्रोल पंप पे मिल जाए कोई हवा हवा भरने वाला, तो हवा भरवा लेंगे हम, क्यों हनी? आ रहा है गाड़ी भगाने में मजा। और एक तो ना मेरे को दिक्कत हो रही है, जो हेलमेट है वो छोटा है, छोटे हेलमेट की वजह से क्या दिक्कत हो रही है, मैं चश्मा नहीं लगा पाया, मैं बिना चश्मे के भाई साहब जो दिक्कतें झेलनी पड़ रही है ना। तो हम बहुत ही पास बचे हुए हैं, हमारी डिस्टेंस बची हुई है ओनली 12 किलोमीटर, काफी चल गया यार, पता नहीं चला, ठंड बहुत लग रही यार, बारिश हुई है यहाँ पे अभी रिसेंटली मैन। कोई नहीं अपन भी चल रहे हैं, पकड़ लो बस के। आज बहुत, मैं उस दिन आया था तो बहुत आगे से थी, आज यहीं से भीड़ शुरू है। भीड़ देख रहे हो भाई लोग, उस दिन यार अच्छा था, वैसे उस दिन हम लोग अल्टरनेट आए थे, मतलब वीकेंड पे नहीं आए थे, आज वीकेंड पे आएंगे तो भीड़ तो मिलनी ही है। देख रहे हो भीड़ भाई, इतनी उस दिन नहीं थी कसम से। भाई कुछ ज्यादा ही भीड़ हो चुकी है आज तो, बजने वाली, लेकिन राइड में मजा आता है यार, जितनी भीड़ होती है ना उतने मजे आते हैं। तो आज क्या हो रहा है, पिछली बार जब मैं आया था ना तो जो ये है यहाँ पे सारी गाड़ियाँ एक साथ लगी हुई थी और एक साथ छोड़ दी गई थी, आज क्या हो रहा है टिकट यहीं बना रहे हैं, वैसे ऊपर टिकट मिलती है बट आज ये लोग ना टिकट यहीं बना रहे हैं।
आज टिकट बना रहे थे वहाँ। अरे भाई साहब आज मजा नहीं आया, उस दिन का मजा अलग था भाई। उस दिन क्या था, एक साथ गाड़ियाँ छोड़ी गई थी, फिर जो रेस करने में स्वाद आ रहा था ना उसका कोई बात ही अलग है भाई, अलग लेवल का मजा था वो। आज इतना मजा नहीं आ रहा है। आज ना भीड़ भी बहुत ज्यादा है, तो भीड़ की वजह से क्या कर रहे हैं ये लोग, टिकट नीचे ही बना रहे हैं जिससे ऊपर ज्यादा रस ना हो। रस तो होना ही है, देख रहे हो भाई लोग, भीड़ तो देख ही लिया आपने, कितनी भीड़ है भाई। ये देखो भाई साहब, मेरी धन्नो होते ना फिर बताता तुमको, आगे निकल रहे हो ना, मिस यू धन्नो। पूरी रिकॉर्डिंग हो जाए ऊपर तक, बीच में ही ना ख़त्म हो मेमोरीज की। वैसे मैंने वीडियो तो 3-4 डिलीट कर दी है, बाकी कोई भरोसा नहीं है। और मैं 1080 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं 4K भी हटा दिया है, अब तो हो जानी चाहिए, अभी भी नहीं हुई ना भाई। फ़ोन बेचना पड़ेगा मेरे को, नहीं GoPro ले सकते हैं यार, उसके लिए पैसा नहीं है, बट ट्राई करेंगे। स्वाद था भाई, आज स्वाद नहीं है। उस दिन की राइड थी वो तगड़े वाली, मतलब जो रास्ते के मजे थे ना वो राइड में आ रहे थे, मतलब फीलिंग आ रही जैसे हम राइडिंग पे हैं। ये तो वो अलग वाली, जैसे नहीं सारे बंदे एक साथ छूट पड़े, जैसे एक साथ छोड़ेंगे भाई सबके गाड़ी भागने दो, वो अलग मजा आ रहा था, फीलिंग आ रही थी राइडिंग वाली। वो मतलब एक्चुअल राइडिंग नहीं होती, जो रेसिंग वाली आ रही थी, सॉरी राइडिंग बोल रहा हूँ मैं, राइडिंग तो अभी भी कर रहा हूँ, रेसिंग वाली फीलिंग आ रही थी। और अभी तो ऐसी नॉर्मल है, ऐसा लग रहा है मैं किसी ट्रैफिक में चल रहा हूँ और मैं गाड़ियों को क्रॉस करता जा रहा हूँ। ये लोग दीदी पैदल आ रही हैं, दीदी आपके भी मजे हैं। अब पता नहीं बाबू से लड़ाई तो नहीं होगी है, इसके लिए क्या ही बोलूं। वाह, हम आ चुके हैं बादलों के ऊपर, आसमान नीचे, आज हम ऊपर आसमान नीचे। ओ माय गॉड, मुझे तो गाना आ गया। वाह व्यू अच्छा आ रहा है, बस मेरी ये धन्नो भाग नहीं रही है, फील नहीं आता है जब तक भागे ना, मतलब क्रॉस करने में जो मजा आता है ना स्वाद ही लगे भाई। ये देखो भाई लोगों को, ये ले रहे हैं मजे, ये मुझे लगता है यहाँ से इनको कोई अच्छा सा व्यू दिख गया है। देखें क्या हम भी, ये देखो दीदियों को फोटो खिंचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। एक्चुअली मेरे को ना उसमें देखना पड़ता है वॉच में रिकॉर्डिंग हो रही या नहीं हो रही, क्योंकि मेरे को पता है ना मेरी रिकॉर्डिंग बंद होने वाली है। मेरे को अपनी धन्नो ही ना स्पोर्ट बाइक लगती है, उसको मैं राइड करता हूँ, मेरे को फील आती है जैसे मैं स्पोर्ट बाइक राइड कर रहा हूँ, अपनी धन्नो वेस्ट है यार। व्यू देख लो आप, व्यू तो एक नंबर आता भाई, फील आ जाता। मैं फर्स्ट टाइम आया था पिछली बार, आई थिंक हो गए 10 दिन हुए होंगे आए हुए, नहीं 10 दिन, हाँ ऐसे ही हुए होंगे 10 दिन, तो मेरे को फील आ रहा था जैसे ना शिमला में आ जाओ, शिमला पहुंच जाओ, मतलब ऐसी ठंड भाई ऊपर, देखते हैं आज कैसा मौसम है ऊपर बाकी। बट उस दिन सच में भाई बहुत ही मेरे को लगता है मेरी ना क्या कहते हैं स्टोरेज फुल होने वाला है, क्योंकि ना कैमरा हैंग कर रहा है, तो कैमरा हैंग इसमें दिक्कत है, आईफोन में दिक्कत मान लो या फिर इसमें ये है ही ये चीज़, अगर आपका स्टोरेज कम है या फिर स्टोरेज फुल हो रहा है ना तो आपका हैंग करने लग जाता है फ़ोन। भैया का फोन आ गया, तो वो एक्चुअली जहाँ पे नीचे गेट था ना, आई मीन बैरिकेडिंग लगा रखी थी, वो हमारा वहाँ पे वेट कर रहे थे, और हम तो निकल ही आए ऐसे ऐसे करके, सांप बना दी अपनी गाड़ी मैंने। अब हम आ चुके हैं, क्या है
उधर क्या दिक्कत है? फ्री फ्री में Thank you.